नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का लेसन एक गिटार प्रैक्टिस लेसन है। इस सीरीज़ में मैंने पहले भी कुछ लेसन पोस्ट किए हैं, अगर आपने नहीं देखे हों तो उन्हें आप देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इस लेसन में हम एक पॉपुलर स्ट्रमिंग पैटर्न लेंगे जो कि बॉलीवुड के बहुत से गानों में यूज़ किया गया है और जो मैंने अपने ही लेसन में कई बार दिखाया भी है। हम उस पैटर्न को पहले कुछ क्लिप्स में देखेंगे जो मैंने अपने लेसन से लिए हैं और उनके लिंक्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगा। आप उस पैटर्न को जब गाने के साथ बजते देखेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। उसके बाद जो है हम धीरे धीरे साथ में इसी पैटर्न को बजाएंगे। मैं ए माइनर में बजाऊंगा, आप किसी की में भी बजा सकते हैं और हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे इस पैटर्न को सीखने की। और उसके बाद लेसन के एंड में जाने से पहले मैं आपको कुछ स्ट्रमिंग के टिप्स देके जाऊंगा जिससे आपकी स्ट्रमिंग की क्वालिटी और इम्प्रूव हो। तो आइए देखते हैं पहले ये पैटर्न किन किन गानों में यूज़ किया गया है। तो आइए अब इस पैटर्न को हम साथ में बजाते हैं। मैं इसको शुरुआत में धीरे धीरे बजाऊंगा ताकि आप मेरे साथ में जा सकें और उसके बाद अगर आप स्पीड को मैच कर सकें तो मैं कोशिश करूंगा इस पैटर्न को धीरे धीरे फास्ट करता चला जाऊं। तो आइए फिर साथ में बजाएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पैटर्न बजा के मज़ा भी आया और इस लेसन से फ़ायदा भी हुआ। जाने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको कुछ टिप्स दे के जाऊँगा जिससे आपकी स्ट्रमिंग इम्प्रूव हो। कुछ टिप्स तो मैं पहले भी दे चुका हूँ, मैंने फिर से रिपीट करूँगा ताकि वो लोग भी देख सकें जिन्होंने मेरे पहले के लेसन नहीं देखे हैं। सबसे पहली बात, आपकी टाइमिंग सही होनी चाहिए और ये आपको अगर इम्प्रूव करना हो तो आप ट्रैक्स के साथ बजाएं। अगर आप ट्रैक्स यानी कि गानों के साथ न बजा पाएं तो किसी भी मेट्रोनोम या बीट ऐप को डाउनलोड कर लें, जो टेम्पो आपको समझ में आए, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे उसे आप ऑन कर लें और उसके साथ बजाने की कोशिश करें। आप जितना बीट के साथ बजाएंगे उतनी ही आपकी स्ट्रमिंग इम्प्रूव होगी। दूसरी बात, आपके हाथ जो हैं हमेशा डाउन अप कंटिन्यूसली चलते रहने चाहिए। आपने मेरे हर लेसन में देखा होगा मैं हमेशा डाउन और अप ऑल्टरनेटिंग स्ट्रोक्स बजाते रहता हूँ। जहाँ पर गैप्स होते हैं वहाँ पर मेरे हाथों के मूवमेंट जो है वही पैटर्न में डाउन अप चलते रहते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग्स को हाथ लगाएं या ना लगाएं। तो अपने इस डाउन अप रिथम को आप मेंटेन करके रखें।
कुछ पैटर्न ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपको दूसरे तरीके से बजाना पड़ता है, लेकिन अगर आप शुरुआत में ही ये प्रैक्टिस सही कर लेंगे तो आपको बहुत से पैटर्न सीखने में आसानी होगी। तीसरी बात, आप जो भी कॉर्ड बजाएं, जो भी शेप बजाएं, कोशिश करें आपके गिटार के हर स्ट्रिंग की आवाज़ जो है बराबर निकलनी चाहिए, यानी कि हर स्ट्रिंग की आवाज़ क्लियरली निकलनी चाहिए और उनका वॉल्यूम लेवल भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। आप कोई भी स्ट्रोक बजाने से पहले एक बार कॉर्ड के सारे स्ट्रिंग्स को अलग अलग बजा के देखें, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके स्ट्रमिंग की जो क्वालिटी है, यानी साउंड की जो क्वालिटी है, बहुत इम्प्रूव होगी। और चौथा टिप ये है कि गिटार की ट्यूनिंग हमेशा आप सही रखें, उससे आपके कान धीरे धीरे मजबूत होते जाएंगे और आपको बजाने में मज़ा भी आएगा। बजाने से पहले गिटार की ट्यूनिंग हमेशा चेक करें। आजकल के जितने ट्रैक होते हैं सारे स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में होते हैं, तो अगर आप स्टैंडर्ड ट्यूनिंग के हिसाब से अपने गिटार को ट्यून करें और ट्रैक के साथ बजाएं तो बजाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पुराने गानों में कई बार जो है प्रोडक्शन करते वक्त वो लोग स्टैंडर्ड ट्यूनिंग को थोड़ा चेंज कर देते थे, उस हाल में आपको जो है उन ट्रैक्स को आपको किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्यूनिंग को स्टैंडर्ड मिला के साथ में बजाना पड़ेगा, जैसा कि मैं कभी कभी करता हूँ। और एक बात ध्यान रहे कि आप अगर आप ऑनलाइन म्यूजिक वीडियोस चेक कर रहे हो तो आप किसी रिलायबल सोर्स पर जाएं, यानी जैसे एप्पल म्यूजिक, अमेज़न, स्पॉटिफाई और यूट्यूब पे जो ओरिजिनल कॉपीराइट होल्डर है उनके अपलोड किए ट्रैक्स जो होते हैं, इन सब के पिच ओरिजिनल होते हैं। इसके अलावा आप पुराने गानों के बहुत से आपको वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब में जो कि ओरिजिनल पिच में नहीं है, उनका टेम्पो भी सही नहीं है। आप इस बात पे ख्याल रखें, अगर आपको किसी गाने में नहीं समझ में आ रहा हो कि ओरिजिनल पिच क्या हो, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको चेक करके ज़रूर बताऊंगा। तो आज के लिए यही रुकते हैं, अगले लेसन में आपको मैं और एक पैटर्न दिखाऊंगा और कुछ और टिप्स शेयर करने की कोशिश करूंगा। हमेशा की तरह अपने कमेंट्स और फीडबैक मुझे भेजें, मैं जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। तो अगले लेसन तक फिर मिलते हैं, शुक्रिया।